अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मुन्ना शरीफ मिर्ज़ा और आज मैं जिस हवाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस हवाले से है कि अगर आपका निकाह हुआ, शरी निकाह हुआ, उसके बाद इवन के निकाह नामा को फिलअप भी किया गया लेकिन निकाह नामा को रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया, दर्ज रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया, तो अब मामला ये है कि लड़की ने लेनी है तलाक, ठीक है, वो मतलब कि हुला चाह रही है अदालत के थ्रू, लेकिन वो ये कह रही है कि मेरे पास तो निकाह नामा नहीं है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है जिसे ये साबित करूं कि मेरी शादी हुई थी इस बंदे के साथ और मैंने तो अब तलाक लेनी है, तो जाहिर सी बात है निकाह नामा होगा, शादी का प्रूफ होगा तो फिर ही मुझे डिवोर्स मिलेगी, तो ऐसी सूरत में मुझे क्या करना चाहिए। दूसरी क्वेरी ये थी कि अगर औरत पर्दा नशीन है, ठीक है, तो उसने तलाक लेनी है तो उसका क्या तरीक़ाकार है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका निकाह हुआ उस वक्त मौलवी वगैरह बिठा के विटनेसेस शरी तौर पे मतलब के जो निकाह हुआ वो हो गया, ठीक है, निकाह नामा को फिलअप भी करवाएगा लेकिन किसी वजह से निकाह को निकाह नामे को रजिस्टर नहीं करवाया गया, तो अब आपने तलाक का केस फाइल करना है तो आपने दावे में बाकायदा तौर पे लिखना है कि उस वक्त शादी के मौके पर गवाहान कौन कौन से थे, दावे के अंदर आपने लिखना है मौलवी कौन सा था, निकाह रजिस्ट्रार है तो उसका नाम अगर आपको पता है वो आपने दावे के अंदर लिखना है, और आपने लिखना है कि मेरा निकाह फलाने डेट को हुआ था लेकिन शरी तौर पर हुआ था, निकाह नामे को दर्ज रजिस्टर नहीं करवाया गया था, और ये गवाहान थे शादी के मौके पर, ये मौलवी था, और उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी एविडेंस है जिसके ऊपर मतलब ये शो हो रहा हो कि ये फॉर एग्जांपल के मेडिकल के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इलाज करवाने गए हैं या कोई इस तरह का कोई भी अगर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है जिससे ये साबित हो कि आप एज ए हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पर रहें आपस में, तो वो आप एविडेंस के तौर पर पेश कर सकते हैं। उसके अलावा जो शादी के विटनेसेस हैं उनको जज साहब के सामने पेश भी किया जा सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अगर इन केस आपका शरी निकाह हुआ है लेकिन आप चाह रही हैं कि मैं हुला लेना है, तो ये बात ऑन द रिकॉर्ड है कि मैंने तलाक ले ली है, ठीक है, तो इसके लिए आपने फिर जो शादी के मौके पर गवाहान थे, मौलवी था, उनको एज ए विटनेस के तौर पे पेश करना है, और दूसरा ये कि दावे के अंदर आपने बाकायदा तौर पर ये चीज़ मेंशन करनी है कि मेरा इस तरह शरी निकाह हुआ था और ये मेरे विटनेसेस थे, और उस वजह से रीज़न भी लिखनी है कि किस वजह से निकाह रजिस्टर नहीं हुआ। और बाज़ दफ़ा जो मर्द है वो भी जानबूझ के दर्ज रजिस्टर नहीं करवाते क्योंकि वो ये सोच रहे होते हैं कि जिस तरह हम शादी कर रहे हैं शरी तौर पे इसी तरह हम तलाक दे देंगे, तो बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे मर्द होते हैं वो रजिस्टर नहीं करवाते, उनके पीछे ये रीज़न होती है कि वो मतलब के लॉन्ग टर्म इस रिलेशन को नहीं लेके चलना चाह रहे होते, तो वो ये सोचते हैं कि इस तरह करेंगे तो जिस तरह निकाह कर रहे हैं इसी तरह ही तलाक। लेकिन अगर औरत ने सोच लिया है कि उसने निकाह किया लेकिन अब वो कह रही है कि मैंने तो इसे अलहदगी इख्तियार करनी है, ये तो पहले कुछ और बंदा था, अब शादी हुई है तो ये तो बिल्कुल बदल गया है, टॉर्चर करता है, तो वो हुला लेना चाह रही है, तो उसने इस तरह जो दावा है उसके अंदर बाकायदा तौर पर मैंशन करना है। दूसरी क्वेरी ये थी कि अगर औरत पर्दा नशीन है और वो अदालत में नहीं आ सकती तो उसने हुला लेना है तो वो किस तरह लेगी। तो देखे, अगर वो औरत जो है पर्दा नशीन है वो अदालत में नहीं आना चाहती तो फिर भी हुला का केस पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू मतलब के अपना वो अटॉर्नी मुकर्रर करेगी, कोई भी उसका रिलेटिव हो जाए, ठीक है, या जिसको वो इख्तियार देना चाह रही है, ठीक है, पावर ऑफ अटर्नी उसकी फेवर में देगी और वो बंदा फिर उसके बिहाव पे अदालत में पेश हो जाएगा, तो वो जो अटॉर्नी होगा वो फिर औरत के बिहाव पे बयान वगैरह अदालत में देगा, तो हुला की डिग्री फिर भी मिल जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका कोई केस है किसी भी किस्म का तो आप मुझे नीचे जो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे काइंडली कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।